दोस्तों इन तस्वीरों को देखिए, ये मंगल की रियल तस्वीरें हैं। इनमें जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल मंगल ग्रह पर इतिहास में नदियों के बहने के निशान है, जो कि ये बताने के लिए काफी हैं कि एक समय मंगल पर पानी था। आज मंगल पर एक दम वीरान सूखी दुनिया है, मगर मंगल ग्रह की इस वीरान दुनिया में वैज्ञानिक जीवन बसाना चाहते हैं। और एलन मस्क, जिनका प्लान है कि वो 2026 तक मंगल पर ऐसी इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो और अपने बलबूते पर मंगल ग्रह पर रह सके, तो क्या वाकई में 2026 तक इंसानी बस्ती मंगल ग्रह पर बस चुकी होंगी? आखिर कैसे नासा और एलन मस्क एक रेडिएशन से भरे और जहरीले वातावरण वाले ग्रह को इंसानों के रहने के लायक कैसे बनाएंगे? क्या एक बंजर और बेजान ग्रह को इंसानों के रहने लायक हैबिटेबल ग्रह में बदला जा सकता है? लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसी ब्रह्मांड की डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वैज्ञानिकों को यकीन है कि भविष्य में मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है, और सिर्फ इसी कारण पूरी दुनिया और एलन मस्क मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों नासा वाले तो कह चुके हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन बसाने में 2030 तक तो समय लग ही जाएगा। इससे पहले तो ऐसा कुछ कर पाना काफी मुश्किल काम है, तो आखिर एलन मस्क 2026 तक यह काम कैसे करेंगे? पर जिस स्पीड से एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स में स्पेस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि शायद एलन मस्क 2030 से पहले मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाकर नासा की इस बात को गलत साबित कर सकते हैं। पर यह इतना भी आसान नहीं होने वाला, खासकर अभी की टेक्नोलॉजी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे स्पेसक्राफ्ट भी नहीं है जो हमें अंतरिक्ष के लंबे सफर को तय करते हुए सुरक्षित मंगल ग्रह तक पहुंचा सके। तो ऐसे में हम मंगल ग्रह पर बस्तियां कैसे बसाएंगे? तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे वैज्ञानिक मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाएंगे। मंगल ग्रह पर रिसर्च की शुरुआत 1997 से हुई है, क्योंकि यह वह साल था जब पहली बार मंगल की सतह पर कोई इंसानी रोवर उतरा था। इस रोवर का नाम था मार्स पाथफाइंडर, जिसे दिसंबर 4, 1996 को लॉन्च किया गया था, और करीब एक साल के लंबे सफर के बाद यह 4 जुलाई 1997 में मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचा था। वैसे तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट ने ही हमारी मंगल ग्रह की नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ाया है, लेकिन मंगल ग्रह पर की जाने वाली रिसर्च में असली रेवोल्यूशन 31 जुलाई 2008 में देखने को मिला, क्योंकि ये वो साल था जब फियोनिक्स मास लैंडर की रिसर्च में इंसानों को मंगल ग्रह के पोल्स के नीचे बर्फ के रूप में जमे पानी की बात पता चली। और इसी रिसर्च में ये सामने आया कि मंगल ग्रह के पास अपना खुद का एक पतला वातावरण भी मौजूद है, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से मंगल पर की जाने वाली नॉर्मल रिसर्च वहां पर भविष्य की मानव बस्ती बनाने के मिशन में बदल गई। क्योंकि अब वैज्ञानिकों को केवल मंगल ग्रह के बारे में जानकारी ही इकट्ठा नहीं करना था, बल्कि भविष्य में इस ग्रह की कमियों को दूर करते हुए इस ग्रह पर इंसानी बस्तियां भी बसाना था। जिसके बाद नासा ने और मंगल ग्रह पर कई रिसर्च किए, कई सैटेलाइट और रोवर भेजे, जिनकी मदद से हमें मंगल के बारे में काफी कुछ जानने को मिला, जिसमें हमें इसके कोर, कमजोर मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन से भरे वातावरण के बारे में जानकारी मिली, जिसके कारण दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसियों के पास मंगल ग्रह की सरफेस और इंटरनल स्ट्रक्चर से जुड़ा काफी ज्यादा डेटा इकट्ठा हो गया। वैसे अगर असल जिंदगी में भी किसी की रिसर्च चुराकर उस पर काम करने में कोई कॉपीराइट होता, तो एलन मस्क पर इस तरह के कई कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी होती, क्योंकि इन्होंने नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसी द्वारा कई दशकों तक मंगल ग्रह के रिकॉर्ड किए गए डेटा और सभी रिसर्च का प्रयोग किया ताकि वे मंगल ग्रह तक जाने और वहां पर मानव बस्ती बसाने का एक आसान और कम समय में पूरा होने वाला रास्ता ढूंढ ले। एलन मस्क का मानना है कि इंसानों का अंत काफी करीब है और किसी भी बड़े से एस्ट्रॉइड की टक्कर भविष्य में इंसानों को पूरी तरह से मिटा सकती है, इसलिए इंसानों को पृथ्वी के अलावा भी सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह पर मौजूद होना चाहिए ताकि किसी बड़ी आपदा के दौरान मानव जाति को बचाया जा सके, या फिर कहूं कि पृथ्वी के कुछ अमीर इंसानों को बचाया जा सके, क्योंकि यह वो इंसान होंगे जो अरबों रुपए खर्च करते हुए भविष्य में मंगल ग्रह पर अपनी बस्तियां बसाने के लिए जाएंगे, जिनमें से एक हमारे एलन भैया भी होंगे, जो कई इंटरव्यूज में तय कर चुके हैं कि वो मंगल ग्रह की मिट्टी पर मरना चाहते हैं। पर आखिर नासा और एलन मस्क एक बेजान बंजर रेडिएशन से भरे और जहरीले वातावरण वाले ग्रह को इंसानों के रहने लायक कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि इंसान को रहने और जीने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो इंसान को तीन मेन जरूरतें होती हैं, जिनके बिना इंसान जी नहीं सकता। इसमें पहली चीज है एक ऑक्सीजन से भरा एटमॉस्फेयर, दूसरा लिक्विड पानी, और तीसरा ग्रह के चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो इंसानी शरीर को कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सके।
वैसे इसके अलावा ग्रेविटी भी एक अहम फैक्टर है, लेकिन एक्सरसाइज और दूसरे तरीके से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो क्या मंगल ग्रह पर इनमें से कुछ भी मौजूद है? पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मंगल ग्रह पर इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है। न तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन मौजूद है और न ही लिक्विड पानी, क्योंकि यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में मंगल के पोल्स पर जमी हुई है, जिसे डायरेक्ट निकालकर प्रयोग कर पाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो भूल ही जाइए, क्योंकि मंगल ग्रह के कोर में कोई एक्टिविटी न होने के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना कमजोर हो चुका है कि आसानी से कॉस्मिक रेडिएशन और सूर्य से आने वाले हाई चार्ज्ड पार्टिकल इसके सरफेस तक पहुंचते हैं, जिसके कारण इसकी सतह पर इतना ज्यादा रेडिएशन है कि बिना स्पेस सूट के यहाँ पर 2 मिनट भी जिंदा नहीं रहा जा सकता। पर ये तो सारी प्रॉब्लम है, पर क्या इसके पास कोई सोल्यूशन है? तो हाँ, नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ऐसे कई सॉल्यूशन पर काम कर रही है, जिसकी मदद से इन सभी परेशानी को टेक्नोलॉजीज की मदद से कम या खत्म किया जा सकता है। और कुछ सालों में ही मंगल ग्रह को एक बंजर बेजान चट्टानी ग्रह से पृथ्वी की तरह हरे भरे ग्रह में बदला जा सकता है। और सच कहूं तो इसका सॉल्यूशन भी काफी ज्यादा सिंपल है। हमें बस कुछ बड़े नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भरे एस्ट्रॉइड को मंगल ग्रह पर जाकर टकराना होगा। सच बताऊं तो सोलर सिस्टम में ही ऐसे एस्ट्रॉइड की भरमार है, जिनका आकार कई किलोमीटर है और जो पूरी तरह से पानी और नाइट्रोजन गैस से बने हैं। यानी अगर हम किसी तरह से इनकी डायरेक्शन में बदलाव करके इन्हें मंगल ग्रह की ओर करते हैं, तो इनका टक्कर के चलते समय के साथ साथ ये सभी नाइट्रोजन और पानी टक्कर से पैदा हुई गर्मी के कारण इसके वातावरण में मिल जाएंगे और धीरे धीरे मंगल ग्रह पर तापमान नॉर्मल होने लग जाएगा, जिसके कुछ 100 सालों बाद यहाँ घना वातावरण और रेन साइकिल की शुरुआत हो सकती है, यानी पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ऑक्सीजन का क्या? क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। भाई, उसका भी एक प्लान है, और उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि पृथ्वी पर इतनी सारी ऑक्सीजन आखिर कहां से आई है। तो कुछ बिलियन साल पहले पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। लेकिन इस दौरान पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया नाम के कुछ ऐसे छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ, जो बिल्कुल पेड़ों की तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को किया करते थे, यानी वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल दिया करते थे। इसी तरह बिलियन सालों तक चले इस प्रोसेस ने पृथ्वी पर आज की 22% ऑक्सीजन बनाई है, जिसमें आज आप और हम सांस ले रहे हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर मौजूद करीब 90% जीवन आज के समय ऑक्सीजन पर ही चल रहा है। और अगर हम मंगल ग्रह पर पानी के समुद्र बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनमें इन माइक्रोब्स की कुछ मात्रा डालने पर एक काफी तेजी से अपने आप को बढ़ाते जाएंगे और मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन में बदलते जाएंगे। यानी अगर इस तरह किया जाए तो कुछ 100 या 1000 साल बाद मंगल ग्रह के वातावरण में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी पानी और ऑक्सीजन की जरूरत का इंतजाम हो गया। लेकिन अब रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक प्लान बनाया है, जिसमें वो कई बड़े सोलर सैटेलाइट को मंगल के लो ऑर्बिट में उसके दोनों पोल्स पर रखेंगे, जिनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे ग्रह के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा, जो अंतरिक्ष की कॉस्मिक रेडिएशंस और सूर्य से आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल को मंगल ग्रह की सतह पर आने से रोकेगा। वैसे ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और लगता नहीं कि कुछ 100 साल या फिर 1000 सालों से पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी को इंसान बना पाएंगे। लेकिन अगर मंगल ग्रह को पृथ्वी की तरह बनाना है तो ऐसा करना ही होगा। लेकिन अगर हम इन सब 3 चीजों को सक्सेसफुली करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए मंगल और पृथ्वी में कुछ 1000 साल बाद फर्क करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह एक प्लेनेट बन जाएगा, जहां बड़े बड़े समुद्र और जंगल मौजूद होंगे। पर ऐसा कि मैंने कहा कि ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा है, इसमें कुछ 100 साल से लेकर 1000 सालों का समय लग सकता है। पर अगर हम बात करें कुछ सालों में मंगल ग्रह पर बनाए जाने वाली कॉलोनियों की, तो भाइयों, उनमें तो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनकर ही रहना पड़ेगा। पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कुछ सालों तक रहने के बाद हम वहां पर ही ऐसे घरों का निर्माण कर पाएंगे जो पूरी तरह से रेडिएशन प्रूफ होंगे और जहां के वातावरण में ऑक्सीजन भी मौजूद होगी। कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट यहां मंगल ग्रह पर बनाए गए घरों को पूरी तरह से छोटे आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में बदल देंगे, जहां पर इंसान मंगल ग्रह के खतरनाक एनवायरमेंट से दूर बिना स्पेस सूट के भी रह सकेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बना जाता है, जिसके कारण लगातार एनोनिमस की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो भविष्य में मंगल ग्रह पर बसाई जाने वाली बस्तियों में प्रयोग की जा सकती है। इसके अलावा कुछ समय पहले स्पेसएक्स ने अपने सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप के भी कई सक्सेसफुल टेस्ट किए हैं, जो स्पेसएक्स ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेसशिप होने वाली है, जिसमें करीब 100 लोग एक साथ मंगल की यात्रा कर सकेंगे। एलन मस्क का मानना है कि 2025 तक मनुष्य को मार्स पर पहुंचा दे और हम 2025 में मार्स पर पहली इंसानी बस्ती की शुरुआत करें, जिसके लिए वह पूरी मेहनत के साथ अपनी कंपनी स्पेसएक्स में लगे हैं। इसके अलावा नासा भी बहुत से ऐसे मिशन चला रही है। मतलब यहाँ तो कहावत ही उल्टी हो गई, वो कहा जाता है ना कि किसी पर मंगल भारी है, पर यहाँ तो एलन मस्क ही मंगल पर भारी हो रहे हैं। इसमें आपसे जानना चाहूंगा, क्या एलन मस्क 2026 तक मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा कर पाएंगे, या अभी भी मंगल ग्रह पर जाने में इंसानों को कुछ और समय लगेगा?
आप अपना जवाब मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।